हेलो स्टूडेंट्स, अवर टूडेज एक्सरसाइज इज 6.2। तो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन फिगर 6.17, फर्स्ट एंड सेकेंड। डी ई इज पैरल टू बी सी। आपकी जो डी ई साइड है वो आपकी बी सी की साइड के पैरल है, फर्स्ट फिगर में एंड सेकेंड फिगर में, ये दोनों आपकी पैरल साइड्स हो गए। फाइंड ई सी इन फर्स्ट, आपको पहले फिगर में ई सी की वैल्यू बतानी है, एंड ई डी इन सेकेंड, और सेकेंड में आपको AD की वैल्यू बतानी है। तो देखिए आप ये कैसे कर सकते हैं, वन बाई वन पार्ट करते हैं इसको। पहला फिगर लिया आपने, तो लेट EC आपने एज्यूम कर ली कि वो आपकी x सेंटीमीटर है। इट इज़ गिवन दैट, अभी आपको दे रखा है कि जो DE है वो पैरेलल है किसके, BC के। जो DE है वो आपके पैरेलल है किसके, BC के। उसके आगे बाई यूजिंग आप यूज करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी ओबटेन। तो आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या मिल जाएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो AD कितना है 1.5 और DB कितना है आपका 3। आप यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। उसके बाद AE अपॉन EC का वैल्यू कितना पुट कर देंगे, 1/x। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3 × 1/1.5। अब 1.5 से आप 3 कट कर दीजिए, 2 टाइम्स आप कट कर देंगे, आपके पास EC की वैल्यू आ जाएगी 2 cm। ये आपका आंसर है। अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड पार्ट की तरफ। तो इसमें जो भी आपकी अननोन साइड है, जो साइड आपको ज्ञात नहीं है, उसको आप x मान लीजिए। तो इसमें आपको AD को फाइंड आउट करना है, तो आपने AD कितना मान लिया, x मान लिया। AD जब आपने ये x मान लिया तो उसके बाद आपका क्या हो गया, इट इज़ गिवन दैट, आपको क्या दे रखा है, DE इज पैरेलल टू BC। बाई यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी ओबटेन, आप क्या करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC हो जाएगा। तो AD की वैल्यू कितनी है आपके पास, x, आपने x पुट कर दी। उसके बाद DB की वैल्यू कितनी है, 7.2, वो पुट कर दी। AE और EC की वैल्यू पुट करी आपने, 1.8 और 5.4। फिर आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x के साथ मल्टीप्लाई में 5.4 जाएगा, तो 5.4 आपका एंड में डिवाइड में चला जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, फिर 18 × 3 = 54 और 3 × 2 = 6 और 3 × 4 = 12। तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 2.4 cm। ये आपका यहाँ पे पहले का दूसरा पार्ट फिनिश हो चुका है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो देखिए इसमें आपसे क्या कह रहा है, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली। आपके पास दो साइड हैं, कौन कौन सी, पी क्यू एंड पी आर। पी क्यू आपकी ये रही और पी आर आपकी ये रही, रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर, एक आपको ट्राइंगल दे रखा है उसकी। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF is parallel to QR। आपको ये बताना है कि जो EF है वो QR के parallel है या नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए आगे आपको कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। PE आपको कितना दे रखा है, 3.9, EQ आपको 3 cm, PF आपको 3.6 और FR आपको 2.4। ये होगा आपका पहला पार्ट। तो जैसे कि आप जानते हैं सारा आपको दे रखा है, तो आप इसको आंसर में गिवन दैट में नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद आप रेशियो निकालेंगे, रेशियो आप किस किस का निकालेंगे, PE और EQ का। तो PE और EQ का रेशियो निकाल लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, PF और FR का रेशियो निकालेंगे, ठीक है। मींस PE और EQ का रेशियो निकालेंगे, PF और FR का रेशियो निकालेंगे, और देखेंगे रेशियो निकालने का कि ये दोनों रेशियो सेम आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। तो हमने रेशियो निकाल लिया, कितना कितना आ गया, 1.5 और 1.3 आपका रेशियो आ चुका है। हैंस इस प्रकार से जो PE अपॉन EQ है इज नॉट इक्वल टू, वो बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, PF अपॉन FR के। देयरफोर इसलिए EF इज नॉट पैरेलल टू QR, जो आपका EF है वो आपका QR के पैरेलल नहीं है। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं इसी के सेकंड पार्ट की तरफ। तो देखिए आपको सारी मेजरमेंट दे रखी हैं, आप इसमें 1/1 रेशियो निकालिए, PE अपॉन EQ कितना हो जाएगा, 4/4.5, इट मीन्स 8/9, और PF अपॉन FR कितना हो जाएगा, 8/9। तो क्या दोनों रेशियो इक्वल है, जी हाँ दोनों रेशियो आपके इक्वल है। देयरफोर EF इज पैरेलल टू QR, इसलिए जो आपकी EF होगी वो आपकी पैरेलल हो जाएगी QR के। इसी टाइप से देखिए आप पार्ट नंबर थर्ड, इसमें आपको हाफ हाफ की मेजरमेंट दे रखी है और फुल साइड की मेजरमेंट दे रखी है। तो आप इसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाइए और रेशियो निकालिए और अगेन कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। या फिर आप सबट्रैक्ट कर दीजिए तो आप बॉटम वाला पार्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए PE अपॉन PQ, P
पी ई अपॉन पी क्यू का रेशियो निकालेंगे, फिर दूसरी साइड किसका निकालेंगे, पी एफ अपॉन पी आर का, पी एफ अपॉन पी आर का, तो दोनों का रेशियो कितना आया 9/64। देयरफोर इसलिए आप क्या लिख सकते हैं, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। यहाँ पे आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। इन द फॉलोइंग फिगर, इस फिगर में जो एल एम है इज पैरेलल टू सी बी, जो एल एम है वो सी बी के पैरेलल है, मीन्स एल एम इज पैरेलल टू सी बी। और नेक्स्ट जो क्या दे रखा है, एल एन इज पैरेलल टू सी डी, ये आपका इसके पैरेलल है। प्रूव दैट, अब आपको प्रूव करना है कि ए एम और ए बी, दूसरी साइड ए एन और ए डी, ये आपका पैरेलल होंगे, वो सॉरी ये रेशियो आपके इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो बढ़ते इन द गिवन फिगर एल एम इज पैरेलल टू सी बी, एल एम आपका सी बी के पैरेलल है, तो आप क्या कंडीशन लिख सकते हैं, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई। दूसरी, एल एन आपकी किसके रेशियो, किसके मतलब किसके पैरेलल है, सी डी के, तो आप क्या लिख सकते हैं, ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, ये आपने यहाँ पे लिख दिया। अब आप देखिए दोनों साइड आपका राइट हैंड साइड इक्वल है, तो आपका दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में आपसे क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर, ये आपको फिगर दे रखा है, इसमें आपका डी ई ए सी के पैरेलल है, डी ई ए सी के पैरेलल है, तो आपका ये एक ट्राइंगल बन गया। ऑलराइट, मीन्स डी ई मीन्स एक ट्राइंगल ये लेंगे आप और एक पूरा ट्राइंगल ये लेंगे, क्योंकि ये दोनों लाइन आपकी पैरेलल है। और दूसरी बात में आपका क्या ट्राइंगल बनता है, डी एफ और ए ई, डी एफ और ए ई, डी एफ ये रहा ए ई ये रहा, तो एक बार आप ये ट्राइंगल ले लेंगे पूरा, एक बार आप ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे। जब दोनों ट्राइंगल ले लेंगे तो आपको फाइनली ये प्रूफ करके दिखाना है कि आपका इक्वल आया या नहीं आया। तो आप जो आपको जो एक बार प्रूफ करना है वो और देख लीजिए, बी एफ अपॉन एफ ई, तो बी एफ अपॉन एफ ई ये किसके इक्वल है, बी ई अपॉन ई सी के, बी ई अपॉन ई सी के, मीन्स आपको बॉटम वाली साइड प्रूफ करके दिखानी है। तो आप क्या करेंगे, इसमें जो आपको फिगर दे रखा है इसमें वन बाई वन दोनों ट्राइंगल ले लेंगे, दोनों ट्राइंगल का रेशियो निकालेंगे, फिर आपका एक साइड का रेशियो इक्वल आ जाएगा, दूसरी साइड का रेशियो अपने आप इक्वल हो जाएगा, या फिर आप वैल्यू पुट कर लीजिए, तो ये आपके पास चॉइस है। तो आपने क्या करा, एक फिगर ड्रॉ किया, अब आप इसमें वैल्यू तो हमें रखनी है नहीं, लेकिन जो भी आपकी मीजरमेंट है बीपीडी थ्योरम का यूज करके आप उसको लिख सकते हैं। तो आप कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ए बी सी ट्राइंगल में, तो इसमें आपके पास क्या वैल्यू है, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। इसी टाइप से जो आपका दूसरा ट्राइंगल है आप उसमें भी मीजरमेंट लिखिए, तो क्या लिखेंगे आप उसमें, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, क्योंकि वो आपकी पैरेलल साइड है, कौन सी हो जाएगी, बी ई अपॉन ई सी। ऑलराइट, तो जब ये आपका ये जो आपने निकाली ये जो वैल्यू आपने फाइंड आउट करी, तो इस वाले में और इस वाले में क्या कोई सिमिलरिटी है, जी हाँ सिमिलरिटी है, जो आपकी एल एच एस है वो आपकी बराबर है, तो आपकी जो आर एच एस होंगी वो भी आपकी बराबर होंगी। तो आर एच एस जब आपकी बराबर होंगी तो आर एच एस आप क्या लिख सकते हैं, बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, ये आपका प्रूफ हो के आ गया। तो ये आपने कैसे करा, जो भी आपका ट्राइंगल था उसमें आपने वन बाई वन लिया, ठीक है, इस टाइप से आपका फिगर था, तो एक बार आपने क्या ट्राइंगल लिया, इस ट्राइंगल को पूरे ट्राइंगल के साथ ले लिया, ठीक है, और दूसरी बार आपने क्या करा, जो बाकी के दोनों ट्राइंगल्स बचे फिर आपने वो दोनों ले लिए, तो आपके दो कंडीशन आ गई, दोनों कंडीशन की लेफ्ट हैंड साइड आपकी इक्वल है तो आपकी राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी, यही आपको प्रूफ करना था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ, इसमें क्या है, डी ई आपकी पैरेलल है ओ क्यू के, डी ई आपकी ओ क्यू के पैरेलल है, नेक्स्ट डी एफ ओ आर के पैरेलल है, डी एफ ओ आर के पैरेलल है, शो दैट, तो आपको ये दिखाना है कि जो आपका ई एफ है वो आपके क्यू आर के पैरेलल होगा, तो ये भी आप आराम से दिखा सकते हैं, जो थ्योरम अभी आपने यूज करी बीपीटी आप वही इसमें अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए इस फिगर में आपके पास कौन कौन सी लाइन दे रखी है, डी ई और ओ क्यू, ठीक है, डी ई ये आपकी लाइन है और ओ क्यू, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ई है तो आप क्या लिख सकते हैं, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी यू। इसी टाइप से अब आप दूसरा फिगर लेंगे, पी ओ आर,
तो पी ओ आर में क्या लिखेंगे, पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, ये आप लिख देंगे यहाँ पे। जब आपने ये वैल्यूज यहाँ पे लिख दी तो आप देखिए इसमें कोई सिमिलरिटी है, इसमें आपकी जो आर एच एस हैं वो इक्वल इक्वल हैं, तो आपकी एल एच एस भी इक्वल इक्वल होंगी। तो एल एच एस आपने लिख दी, क्या लिख दिया आपने एल एच एस, कि जो पी ई अपॉन ई की का रेशियो है वो पी एफ अपॉन एफ आर के रेशियो के बराबर है। तो जब इस टाइप के ट्राइंगल में अगर आपको इनका रेशियो इनके रेशियो के बराबर दे रखा होगा तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, ये आपका कन्वर्स ऑफ बी पी टी हो गया। तो कन्वर्स ऑफ बी पी टी मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं कि जो ई एफ होगा वो पैरेलल होगा क्यू आर के। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपसे क्या कह रखा है, इन द फॉलोइंग फिगर, ये जो आपको एक फिगर दे रखा है इसमें ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन, ए बी सी आपके तीन पॉइंट्स हैं काय पर, आपको जो साइड दे रखी है ओ पी ओ क्यू और ओ आर रेस्पेक्टिवली सच दैट, वो भी किस किस टाइप से हैं, ए बी पी क्यू के पैरेलल है और ए सी पी आर के पैरेलल है, और आपको शो दैट करना है कि जो बी सी होगी वो आपकी क्यू आर के पैरेलल होगी, और जो कंडीशन आपको दे रखी है उससे आपको ये निकालना है। तो बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ। देखिए इसमें आपने सबसे पहले इधर वाला पार्ट लिया, फिर आपने दूसरी साइड वाला पार्ट लेंगे, एक बार आपने इधर का पार्ट ले लिया, एक बार आपने इधर का पार्ट ले लिया, तो इससे आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, इससे आपको मिलेगा ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू। ऐसे आप दूसरी साइड लीजिए, दूसरी साइड आपको क्या मिल जाएगा, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर। अब देखिए क्या इसमें कुछ सिमिलरिटी है, इसमें आपका ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो आपकी राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी, तो आपकी जब राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगी तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, और जब राइट हैंड साइड इक्वल हो गई इसका मतलब क्या हो गया, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, इसका मतलब बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, जो बी सी है वो आपके क्यू आर के पैरेलल है। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर सेवन, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूव दैट, तो यूज करना है आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को, प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इसमें कह रहा है कि आपका एक ट्राइंगल है, अब इस ट्राइंगल का मिड पॉइंट ले लीजिए, ये आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इसके पैरेलल होगी, तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी, मीन्स उसको करेक्ट हाफ ऑफ कर देगी, ये आपको मतलब प्रूफ करके दिखाना है। तो आगे क्या लिखा है, रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन क्लास नाइन्थ, आपको ये ध्यान दिलाया जा रहा है कि आप ये चीज पहले ही क्लास नाइन में प्रूफ कर चुके हैं। तो आइए एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। ये आपने कोई भी एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, नीचे आप क्या लिख देंगे, कंसिडर द गिवन फिगर इन विच पी क्यू इज अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ पी ऑफ लाइन ए बी, मीन्स ए बी का आपका कोई भी मिड पॉइंट है पी, वहां से आपने लाइन ड्रॉ करी सच दैट, वो भी किस टाइप से ड्रॉ करी, कि जो आपका पी क्यू है वो आपका पैरेलल होगा बी सी के, तो ए क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी बी, तो बाई यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी ओपलेन, तो आपको ये मिलता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे ए क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू, अब जो आपका ये पी था वो मिड पॉइंट था, जब मिड पॉइंट था तो ए पी और पी बी को आप कट करेंगे तो वन अपॉन वन ही आने वाला है, क्योंकि दोनों या तो फाइव फाइव के होंगे, दोनों या सिक्स सिक्स के होंगे, दोनों टेन टेन के होंगे, तो आपका एक ही टेबल से कट जाएगा तो वन रेशियो वन बचेगा, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ए क्यू क्यू सी मिल जाएगा। जब आपको ए क्यू क्यू सी के बराबर मिल गया इसका मतलब ये आपका मिड में पड़ा, और जब ये आपका मिड में पड़ा तो और क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये जो आपका क्यू है वो मिड पॉइंट है ए सी का। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ। यूजिंग कन्वर्स ऑफ बी पी टी मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, मीन्स अगर आपके पास दो मतलब एक ट्राइंगल दे रखा है उसकी जो दो साइड हैं इसके मिड पॉइंट से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, कंसीडर द गिवन फिगर, ये जो आपको फिगर देखा है कंसीडर करिए, पी क्यू उसमें लाइन दे रखी है जो ज्वाइन करती है मिड पॉइंट्स को पी और क्यू पे ऑफ लाइन ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली, तो ए पी किसके बराबर है पी बी के, और ए क्यू किसके बराबर है क्यू सी के, तो ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू वन रेशियो वन क्योंकि उसका मिड पॉइंट है। इसी टाइप से ए क्यू अपॉन क्यू सी कितना हो जाएगा, वन रेशियो वन हो जाएगा। तो आप देख लीजिए आपकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगी,
तो ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। हैंस बाई यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी ओब्टेन। इस टाइप से आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या मिल जाता है कि जो आपका पी क्यू है वो आपका पैरेलल होगा बी सी के। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखिए इसमें आपसे क्या कह रहा है, ए बी सी डी आपको एक ट्रेपेजियम दे रखा है। क्या दे रखा है, एक ट्रेपेजियम दे रखा है इन विच, जिसमें जो ए बी है वो डी सी के पैरेलल है, वो तो होते ही है ट्रेपेजियम में आमने सामने की साइड पैरेलल। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, और जिसके डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को ओ पे कट कर रहे हैं। तो शो दैट, आपको क्या दिखाना है, आपको ये दिखाना है ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। अगर आप इसको प्रॉपर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसको ट्रांसफर करके समझ लीजिए। जैसे ए ओ दे रखा है तो ए ओ के साथ क्या होना चाहिए, ओ सी होना चाहिए। तो ये वाला ओ सी मल्टीप्लाई में तो नीचे डिवाइड में पहुंच जाएगा, मीन्स आप ए ओ अपॉन ओ सी ले आइए और ये वाला नंबर आपका इधर पहुंच जाएगा, बी ओ अपॉन डी ओ हो जाएगा, मीन्स इसके डिनोमिनेटर में आप नीचे वाला पार्ट लेके आना है आपको। ऑलराइट तो आप ये ले आइए, उसको आप ट्रांसफर करके वापस इस टाइप से लिख दीजिएगा। तो आप क्या करेंगे, ड्रॉ लाइन, इसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, एक ई एफ लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी इसके मिड पॉइंट ओ से, मतलब जहाँ पे ये डायगोनल्स कट कर रहे हैं वहाँ से, सच दैट। इस टाइप से ड्रॉ करनी है कि अब आप क्या करेंगे, ट्राइंगल ए डी सी लेंगे। क्या लिया आपने, ट्राइंगल ए डी सी, और इसमें आप बी पी टी अप्लाई कर दीजिए। बी पी टी अप्लाई करेंगे तो ए अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, ये आपका हो जाएगा। इसी टाइप से आप जब दूसरा ट्राइंगल लेंगे, मीन्स ए बी डी, अब आप ए बी डी को कंसीडर करिए। अभी आपने कौन सा लिया था, ए डी सी, ए डी सी ये अभी आपने लिया था। अब दूसरी बार में आप कौन सा ट्राइंगल लेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी डी, ए बी डी ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए। तो इस वाले ट्राइंगल में कितना हो जाएगा, ई डी अपॉन ए इज इक्वल टू ओ डी अपॉन बी ओ। ऑलराइट, अब देखिए इसमें ए ई इसका उल्टा कर दीजिए आप, ए ई को ऊपर लिख लीजिए, मीन्स यहाँ से भी रिवर्स और यहाँ से भी रिवर्स। ए ई को ऊपर लिख दिया, ई डी को नीचे लिख दिया, ठीक है। और ए ई और ई डी कौन सी आपकी साइड, आप देख सकते हैं फिगर में, ए ई अपॉन ई डी, ये आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दे रखी है। तो जब इस टाइप से आप लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन और टू, वन और टू से आपको क्या मिलेगा, जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, इट मीन्स ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी, ये आपका आ गया। फिर मैंने बोला था इसको आप शिफ्ट कर लीजिएगा, बी ओ को नीचे पहुंचा दीजिए, ओ सी को आप राइट हैंड साइड पे पहुंचा दीजिए, तो आपका ये प्रूफ होके आ गया। आपको इसमें इतना ही प्रूफ करना था। अब देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है, मीन्स क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो इसको हम और देख लेते हैं अच्छे से। तो डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रेंटल ए बी सी डी, आपको एक क्वाड्रेंटल दे रखा है ए बी सी डी, उसके इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट पॉइंट ओ, सही है, ओ पॉइंट पे कट कर रहे हैं। मीन्स आप कोई सा भी फिगर बना लीजिए, क्वाड्रेंटल बोला तो जो ही नहीं, आप किसी फिक्स टाइप का फिगर बनाएंगे, इस टाइप का आपने कोई भी एक फिगर बना लिया। अभी कोई डायगोनल्स हैं तो आपको पहले ए बी सी डी इसको नाम देना पड़ेगा। मान लीजिए आपने नाम इसको ऐसे दे दिया ए बी सी डी, और दोनों कहाँ पे कट कर रहे हैं, ओ पे। इस टाइप से कट कर रहे हैं कि ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ए ओ अपॉन ओ बी, मतलब ये दे रखा है ए ओ अपॉन ओ बी किसके इक्वल है, सी ओ अपॉन ओ डी या डी ओ। तो ये तो आपको ट्रेपेजियम प्रूफ करना है, इट मीन्स जो अभी आपने करा ये जस्ट उसका रिवर्स है। ऑलराइट, तो देखिए आपने एक फिगर बनाया, लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग फिगर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अब इसमें आपको क्या करना है, अगेन एक लाइन ड्रॉ करनी है कंस्ट्रक्शन के तौर पे। तो ओ ई इज पैरेलल टू ए बी, जो ओ ई जो होगी वो ए बी के पैरेलल होगी। अब देखिए इन ट्राइंगल ए बी डी, अब आप एक ट्राइंगल लीजिए ए बी डी, जब ए बी डी ट्राइंगल लेंगे तो इसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को आप अप्लाई कर दीजिए, ए अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी, ये आपने लिख दिया। हाउएवर इट गिवन दैट, लेकिन फिर भी ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ओ बी अपॉन ओ डी, ठीक है। मीन्स आपने ट्राइंगल लिया, आप इसको दोबारा से लिखेंगे ए ओ अपॉन ओ सी, कितना लिख देंगे, ये आपको दे रखा है गिवन दैट, कितने के बराबर दे रखा है, ओ बी अपॉन ओ डी के। अब देखिए यहाँ पे आपके राइट हैंड साइड इक्वल हैं दोनों में, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी। तो लेफ्ट हैंड साइड आपने इक्वल करके लिख दी, ए अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए अपॉन
OC, इट मीन्स इस ट्राइंगल में ये दोनों लाइन आपकी पैरेलल होंगी, तो EO आपकी पैरेलल हो गई DC के, तो AB आपकी पैरेलल हो जाएगी OB और DC के, ठीक है। तो इट मीन्स AB इज पैरेलल टू CD, इसका मतलब ABCD आपका ट्रेपेजियम है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, देखिए EO आपकी पैरेलल है DC के, EO आपकी DC के पैरेलल होगी, आप प्रूव कर चुके हैं, और ये द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। और AB, OE और DC, AB, OE और DC, ये आपका आ गया। उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, जो आपका AB है वो आपका DC में CD के पैरेलल है, और जब दो आमने सामने की साइड पैरेलल प्रूफ हो जाती हैं तो आपका फिगर अभी क्या कहलाएगा इस कंडीशन में, इस कंडीशन आपका ये ट्रेपेजियम कहलाएगा। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज पूरी फिनिश हो चुकी है, और यहाँ तक कोई डाउट है देन प्लीज़ कन्वे अस, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ओके, थैंक यू।